हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे जेबल स्पीकर्स के नेटवर्क हैं जो हमारे फ़ोन में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं। इसमें से आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते ही हमारे फ़ोन के वाल आइकन से इस तरीके से ओपन आएंगे। इसमें जो हमारा आइकन आता है सेटिंग्स आइकन, क्लिक करते ही हमारे फ़ोन की सेटिंग्स इस प्रकार से ओपन हो गई हैं। तो जो हमारे जेबल स्पीकर्स के नेटवर्क हैं तो इसको हम अपने फ़ोन से कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस क्लिक करना है। क्लिक करते हमारे पास से कुछ ऑप्शन आ गए, तो आपको ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हमारे पास से कुछ ऑप्शन आ गए, तो जो हमारे स्पीकर्स के नेटवर्क है उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसके साइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हमारे पास से कुछ ऑप्शन आ गए, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिसकनेक्ट या अनपेयर, तो हम उसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो डिसकनेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो हमारे जेबल स्पीकर्स के नेटवर्क हैं हमारे फ़ोन से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो इस पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स लगाकर जेबल स्पीकर्स के नेटवर्क हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन की सेटिंग्स लगाकर अपने जेबल स्पीकर्स के नेटवर्क हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो चले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक।